क्या आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, घने नहीं होते हैं, आपके बालों में बहुत ज्यादा रूसी डैंड्रफ हो गई है, तो आपको टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है क्योंकि आज का वीडियो बहुत रस्टिंग होने वाला है और आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूं जो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि रेमेडी है उसका काम ही नहीं करता, वर्क ही नहीं करता हमारे एयर पे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी रेमेडी या कोई भी प्रोडक्ट एक बार या दो बार यूज करने से नहीं होता है। आप अगर आप कोई भी मार्केट से कोई भी महंगे प्रोडक्ट केमिकल वाले अगर आप खरीद के लाते हो, अगर आप उसको यूज करते हो अपने ऊपर, अपने हेयर के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, फेस के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप यूज करते हो उसको एक बार यूज का, आप सोचो क्योंकि एक बार मेरा सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, सब बिल्कुल नहीं होता। होम रेमेडी में मैं आपको बता दूँ थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो चीज को जड़ से खत्म कर देता है। अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हो मार्केट के तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा दो तीन बार में, लेकिन फिर उसके बाद फिर आपको वही वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ बिल्कुल होम मेड है, केमिकल फ्री है और आपको ये थोड़ा लेट रिजल्ट देगा। मैं मानती हूँ थोड़ा रिजल्ट लेट देगा लेकिन आपको बिल्कुल जड़ से खत्म देगा। आपको जो भी आपके हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपके बाल झड़ते हो, आपके बाल घने हो नहीं होते हो, आपके बाल लंबे नहीं होते, आपके बालों में डैंड्रफ होता हो, मेन थिंग ये है कि हमारे बाल झड़ते कैसे हैं, हमारे बाल लंबे नहीं होते, हमारे बाल घने नहीं होते, हमारे बालों में डैंड्रफ होता है। हमारे बालों में डैंड्रफ कैसे होता है, हमारे स्कैल्प पे जो डेड सेल्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं हमारे बालों के जो स्कैल्प के जो है उससे डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे बाल घने नहीं होते, हमारे बाल लंबे नहीं होते। तो सबसे मेन थिंग है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ को कैसे हटाएं, तो डैंड्रफ को हटाने के लिए मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा देने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके बालों के लिए। आप बस शैम्पू में दो चीज, बस शैम्पू में आप दो चीज मिला दोगे उससे आपके बालों का झड़ना खत्म हो जाएगा, आपके बाल लंबे होने लगेंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे, आपके बालों का डैंड्रफ तो एक वॉश में ही खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपके बालों का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा लेकिन आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे और कम हो जाएगा। और एक मंथ, बस एक मंथ अगर आप रेमेडी को रेगुलर यूज करते हो, वीक में आपको इस रेमेडी को बस दो बार यूज करना है। आप दो बार शैम्पू करते हो तो आप दो बार यूज करें, अगर आप तीन बार शैम्पू करते हो तो आप तीन बार यूज करें, मैक्सिमम आप तीन बार यूज करें, अगर आप कम से कम यूज करना चाहें तो दो बार यूज करें। आपके बालों को कम से कम वीक में दो बार तो वॉश करना ही चाहिए क्योंकि आपके बाल पसीना की वजह से या फिर डैंड्रफ की वजह से और भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं, इसलिए आपको बालों को वॉश करना, उसको सही रखना, आपके बालों की गंदगी हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसके वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो इसलिए इस रेमेडी को आप वीक में दो बार यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप तीन बार यूज करें और इस वन वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, आपके बाल घना होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बालों का डैंड्रफ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप वन मंथ इस रेमेडी को यूज करते हो तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, इतने लंबे हो जाएंगे कि आपको आपके बाल कटवाने की जरूरत पड़ जाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप जान लीजिए मेरा नाम मैं हूँ अभिलाषा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभिलाषा शर्मा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ऑन, जिससे मेरे ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए चलते हैं वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बोल, बोल में हम डालेंगे एक चम्मच और आधा चम्मच चाय पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती, चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें हमारे बाल ब्लैक होते हैं, शाइनी होते हैं। इस चाय पत्ती को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे जिसका सारा गुडनेस इसके अंदर आ जाए। ये देखिए मैंने इस चाय पत्ती को अच्छे से उबाल लिया जिससे इसका सारा गुड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, आप शैम्पू में ये दो चीज़ मिला लो, उसी तरह से आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें वीडियो में जो शैम्पू दिखाया जा रहा है उसी को लें, इस शैम्पू को डाल लेंगे इसके अंदर। फ्रेंड, ज़्यादा शैम्पू हमें अपने बालों पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसमें केमिकल होता है और केमिकल हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा झाग आने तक। अब इसके बाद हम वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे हमारे बालों का डैंड्रफ एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा एक ही वॉश में। वो क्या है आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि वो क्या है। हम इसमें ऐड करने वाले हैं नींबू। जी हाँ, नींबू, नींबू में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए हम इसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे। इसमें नींबू का जूस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें काफ़ी थोड़ा सा झाग हो जाए। और इसी चाय पत्ती के पानी से और इसमें शैम्पू ऐड करके हम अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे।
हाँ, हम इसी पानी से अपने बालों को वॉश करेंगे अच्छे से मसाज करते हुए। ये देखिए, मैंने अपने बालों को अच्छे से इस पानी से वॉश कर लिया। डायरेक्टली शैम्पू हम अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाला होता है। ये देखिए मेरे बाल कितने सिल्की और शाइनी दिख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताएं। इसे लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ अपने हेयर केयर स्किन केयर से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को जरूर जाके जल्दी से फॉलो कर लें, जिसमें मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।